इस प्रकार से लगी है। ये देखिए छोटे छोटे सेब लगना स्टार्ट हो चुके हैं, वो मेरी फेवरेट सब्जी है। तो ये देखिए इसमें देखिए पाँव में भी लग चुकी है, यहाँ पर दो गुच्छा और मिली, चोट भी आई है इन दांतों में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। तो देख सकते हैं पीछे है अपने खेत। तो आया हूँ मैं घर। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं गया था शिमला, गुच्छा ढूंढने गया था शिमला के जंगलों में। और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लेना, और उसके बाद मैं घर आया था। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ बगीचे में। तो सेब का यहाँ देखिए फ्लावरिंग लगी है, ये फ्लावरिंग टाइम अभी सेबों में फूल लगे हैं। और ये नेट भी डाली है लोगों ने, ये लोगों के खेत हैं। और है आजकल गुच्छे का सीज़न, तो मैं गुच्छे ढूंढने भी आया था, नहीं गुच्छे ही ढूंढने आया हूँ, सेब तो लगते रहेंगे अपने आप। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर गुच्छिया ढूंढ रहा था, तो मुझे फर्स्ट गुच्छी मिल चुकी है। और ये देखिए खेत में ही मिली है यहाँ पर, तो आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए गुच्छी जो कि वाह इस प्रकार से लगी है। ओह शिट, ये देखिए भाइयों साइज़ भी काफ़ी ठीक ठाक, क्या बिग साइज़ की है गुच्छी। देखिए थोड़ी सी मिट्टी लगी इसमें, और चलिए और ढूंढेंगे फिलहाल। तो ये देखिए सेब, और यहाँ हो रही है सेबों में सेटिंग। ये देखिए छोटे छोटे सेब लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए है तो फिलहाल लोगों के सेब, सेटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है सेबों में। देखिए तो ये होते हैं दोस्तों खेत, और खेत के ऐसे में मिलती है गुच्छिया, जो ये बोलते हैं इसके हमारे तो इसे झाट बोलते हैं ना, मतलब जो खेत का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये झाट है। और कभी कभी तो इन बगीचे के बिल्कुल खेत के बिल्कुल बीच में मिल जाते हैं। फिलहाल तो मुझे यहाँ एक उधर गुच्छी मिली है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये देखिएगा इन घास के बीच में छुपी होती है कोई गुच्छी ऐसी, तो अब चलो दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखिए आपको दिख तो रही होगी ना, ये देखिए पत्थर में लगी थी बिल्कुल ही। ओह शिट, निकालना टफ हो गया है इसका। ओहो निकल गई फाइनली, और थोड़ा सा पीछे से इसका हिस्सा टूट गया है। और ये देखिए दूसरी गुच्छी, और काफ़ी बिग साइज़ की मिल रही है, क्योंकि सीज़न लगभग क्लोज होने वाला है। अब तो छोटी मोटी गुच्छिया तो शायद से मुश्किल ही मिलेगी, अगर मिलेगी तो बाई चांस ही मिलेगी। तो इस प्रकार की गुच्छिया ही रही है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब देखते हैं आगे कितनी गुच्छियाँ मिलती है। और तो उधर से आ रहा था मैं, तो मुझे मिल गई ये। पहाड़ियों को तो पता ही कि ये क्या चीज़ है, बट जिसे नहीं पता है तो इसे कहते हैं हमारी भाषा में लिंगड़। हमारी भाषा में तो लिंगड़ कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? तो आप अपनी भाषा में बताएं कि इसे क्या कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। बट इसके बारे में अगर बताऊं कि इसकी सब्जी होती है, और मैं भी इकट्ठा कर रहा था, मेरे को दिख गई, तो मेरे को मेरी फेवरेट सब्जी है। तो देखते हैं कितनी कलेक्ट करता हूँ मैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बरसात के कारण गिर गया था, तो इस गिरे हुए में भी ना गुच्छियाँ मिलती है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए इसमें एक गुच्छी मिली है मेरे को यहाँ पर, और दूसरी है इस छेद में जो कि सड़ चुकी है। तो ये देखिए ये था, मैं सब्जी कलेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से उधर भी मेरे को सब्जी मिल रही है। तो भाई आज तो लगता है कि मज़े है, सब्जी भी मिल जाएगी और साथ में गुच्छियाँ। तो ये देखिए इस प्रकार का पेड़ होता है, इसे तोड़ दी मैंने। तो यहाँ से उधर को भी मेरे को शायद से दिखे थे, ये देखिए उधर भी है ये लगे हुए। तो चलो करते हैं लिंगड़ को कलेक्ट। ये देखिए कहा, ये और मैं करता हूँ कलेक्ट, और यहाँ से उधर को भी है। तो खेत के बाद मैं सीधा ही अब जंगल में आया हूँ गुच्छा ढूंढने। तो जंगल में मुझे एक गुच्छी मिली वाली अभी, जो कि कांटों के बीच लगी थी, तो ऐसे कांटों के बीच में लगी थी, तो ये मिली मुझे अभी। और तो चलिए फिर से ढूंढते हैं। अब इन कांटों के बीच में ना टफ होता है गुच्छिया ढूंढना, जिसके कारण से मुझे यहाँ देखिए चोट भी आई है। इन कांटों में गुच्छिया ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं है। और यहाँ देखिए पाँव है,
ये देखिए पाँव में भी लग चुकी है यहाँ पर, और ये सब कुछ हुआ है गुच्छे ढूंढने गया था मेरी साइड, तो यहाँ कांटों में पान लग गया, तो चलिए और ढूंढते अभी फिलहाल। और ऐसे ही कांटों के बीच में गुच्छे लगी होती है उधर, तो उधर मेरे को दो गुच्छे दिखे है, वो भी ऐसे बीच में, ये देखिए दो गुच्छिया और मिली, और एक ये और एक ये दिखेगा, अभी और ढूंढता हूँ यहाँ। तो फिलहाल के लिए मुझे इतनी कुछ मिली, कम से कम 7-8 गुच्छियाँ मिली है, और दोस्तों ने फ़ोन किया कि क्रिकेट खेलने आ जा, तो मैं निकल पड़ा क्रिकेट खेलने, वो भी बॉल लेकर, और गुच्छिया और सब्जी रख ली है घर में। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को यह करें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगली वीडियो में मैं फिर से जाऊँगा कल गुच्छा ढूंढने। अगर आप भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो ये बेल आइकन दी है उसे भी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिर से गुच्छी ढूंढने जाऊँगा मैं कल, और वो भी जाऊँगा जंगल, तो पूरा दिन भर जाऊँगा और मिलेगी शायद, मुझे तो मिलती है वो तो दिल से बात है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।